अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम उल्फत गुलजार एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टॉपिक द हेलिप टीम कंपोजिशन एंड इट इज़ फंक्शंस। सो वी विल डिस्कस टुडे व्हाट इज़ द हेलिप टीम, व्हाट डज हेलिप टीम मीन, व्हाट इज इट इज़ कंपोजिशन एंड फंक्शंस। फंक्शंस आर द मेंबर्स ऑफ द हेलिप टीम। सो दिस टॉपिक इज़ फ्राम द कम्युनिटी हेल्थ सेकेंड ईयर FMPH and other students can also see whether this topic is included in their syllabus or not. So before going to the HELP team, first of all we will discuss about what does the teamwork mean. What does teamwork mean? Team, as you can understand by the word, Teamwork means it is the combined, coordinated and dedicated effort of each, and teamwork is more significant in a health setting where the contribution of all the members is extremely vital for the assessment, diagnosis, treatment, etc. इसका क्या मतलब है? Teamwork का मतलब होता है, जैसे आपको वर्ड से समझ आएगा, team means group of members, जहाँ एक से ज़्यादा members एक ही जगह collect होकर किसी common goal के लिए या किसी common objective के लिए काम करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि ये teamwork है। So वही मैं यहाँ पर explain कर रही हूँ कि means it is combined, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड, इट इज़ डेडिकेटेड इफोर्ट, जिसमें एक टीम का अपना एक डेडिकेशन होता है, जो उन्होंने सेट गोल किया होता है, चाहे वो असेसमेंट के लिए हो, डायग्नोसिस के लिए हो, ट्रीटमेंट के लिए हो, इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन या रीअसेसमेंट के लिए, जो कुछ भी हम करते हैं किसी भी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर हो या कोई और सेक्टर, यहाँ पर हम हेल्थ की बात करें, तो जो हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में एक साथ काम करते हैं फॉर ए कॉमन गोल टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसको क्या बोलते हैं? टीम वर्क बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स कलेक्टिवली काम करते हैं। सो नाउ व्हाट इज दिस हेल्प टीम? हेल्प टीम इज ए ग्रुप कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स विद वैरिड बट कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द प्रीवियस स्लाइड दैट ए ग्रुप कंपोज्ड हेल्प टीम वो ग्रुप होता है जिसमें मेंबर्स होते हैं, लेकिन उनके क्या होते हैं? वैरीड, मीन्स जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, मतलब अलग अलग फंक्शंस होती है, बट कम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंस, उनका ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस होता है, जो मैच होता है, किसी का 10 साल, 12 साल, 25 साल, 30 साल, अपनी डिजाइनड क्वालिफिकेशंस होती है, उनमें कोई स्किल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक नर्स के अपने स्किल्स होते हैं, एक डॉक्टर के अपने स्किल्स होते हैं, एक लेबॉरेटरी टेक्नीशियन के अपने अपने स्किल्स होते हैं। सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ टीम इज, इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु शेयर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड बाई कम्युनिटी नीड्स एंड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ विच ईच मेंबर ऑफ टीम कंट्रीब्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद हिज और हर कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स एंड रिस्पेक्टिंग द फंक्शंस ऑफ अदर्स। मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये वो ग्रुप होता है जिसमें जो पर्सन होते हैं वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, जो उन्होंने डिटरमाइन किया होता है, कम्युनिटी नीड्स को देख के या फैमिली नीड्स को देख के या हॉस्पिटल नीड्स को देख के, जो उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया होता है, उसके लिए वो उसको अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट करते, हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जितनी उनकी कॉम्पिटेंस होती है, जितने उनके स्किल्स होते हैं, उनको वो यूज़ करते हैं ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल को अचीव करे। एंड रेस्पेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द अदर मीन्स वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, हर कोई, एक जैसे एक डॉक्टर होता है, उस स्टाफ का रेस्पेक्ट करता है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, जब हम आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं तब हम एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ हेल्प टीम। नाउ दिस मैंने आपको पहले ही बोला, हेल्प टीम कंप्राइजेस ऑफ मनी ग्रुप मेंबर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मेंबर्स, जैसे हमारी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही क्या होता है, हेल्प टीम में मेंबर्स होते हैं अलग अलग, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से लेके लावर लेवल तक अलग अलग मेंबर्स होते हैं। जैसे मैं आपको हॉस्पिटल की एग्जाम्पल दूँगी, एक बड़े जनरल हॉस्पिटल में फिजिशियंस होते हैं, नर्सिस होती है, फिजियोथेरेपिस्ट्स होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स होते हैं। सो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन किसी हॉस्पिटल में होती है, अकॉर्डिंगली उस हॉस्पिटल में वैसे ही मेंबर्स होते हैं। सो
फर्स्ट आप आर द फिजिशियन। फिजिशियन क्या होता है? ए फिजिशियन इज अ पर्सन हु इज लीगली ऑथराइज टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन हॉस्पिटल सेटिंग। द फिजिशियन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस एंड फॉर डिटरमाइनिंग द थेरेपी रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हु इज इल आर इंजर्ड। आप सबको पता है फिजिशियन मीन्स ए जनरल डॉक्टर। जैसे कोई मेडिकल ऑफिसर होता है किसी पीएससी पीएससी पे, और हॉस्पिटल में जैसे एक फिजिशियन होता है, तो उसका काम क्या होता है? वो लीगली ऑथराइज, हर कोई मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एक फिजिशियन होता है वो मेडिकली लीगली ऑथराइज होता है मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए। हॉस्पिटल सेटिंग में एक फिजिशियन रेस्पॉन्सिबल होता है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, वही डिटरमाइन करता है कि पेशेंट या किसी इल पर्सन या किसी इंजर्ड पर्सन को कौन सी थेरेपी देना है, कौन सा मेडिसिन देना है, कौन से इन्वेस्टिगेशन करने हैं। फिजिशियन के जैसे फिर फिजिशियन में अलग अलग कैटेगरीज आती है। अगर बड़ा हॉस्पिटल होगा उसमें फिर स्पेशलाइजेशन होती है, चेस्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। अगर जनरल हॉस्पिटल होगा तो यहाँ यूजुअली वहाँ पे फिजिशियन होते हैं। देन नेक्स्ट इज अ नर्स। नंबर ऑफ पर्सनल मे बी इन्वॉल्वड इन हेल्थ टीम। एक जो नर्सिंग पर्सनल होता है, आप सबको पता है एक ही सिंगल नर्स नहीं होती है, बहुत सारे पर्सनल्स होते हैं। एक हेल्थ टीम में बहुत सारे नर्सिंग पर्सनल्स होते हैं, उनमें एक टीम लीडर होता है जिसको हम यूजुअली हेड नर्स बोलते हैं। शी इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज टू मेम्बर्स ऑफ अर टीम एंड केयर गिवन टू द पेशेंट। एक नर्स के अलग अलग रोल्स होते हैं। सीनियर मोस्ट जो नर्स होती है वो सुपरवाइज करती है जूनियर नर्सेज को, जूनियर नर्सेज डायरेक्ट पेशेंट केयर करती है, वो जो अपनी जो सीनियर होती है हेड नर्स होती है वो डेलीगेट करती है, मतलब देती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक स्टाफ को कि आपको क्या करना है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, आपका ड्यूटी रोस्टर कैसे है। तो वो क्या होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है हेल्थ टीम का। जो फिजिशियन ऑर्डर्स होते हैं वो एक नर्स ही कैरी आउट करती है, और जो पेशेंट्स के बाकी इन्वेस्टिगेशन बाकी जो नीड्स होती है अकॉर्डिंगली वो एक नर्स ही देखती है। फिर नेक्स्ट इज़ डाइटिशियन। डाइटिशियन डाइटिशियन वर्ड इट सेल्फ इंडिकेट्स। डाइटिशियन डिजाइन स्पेशल डाइट्स एंड दे सुपरवाइज द प्रेपरेशन ऑफ मील्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। मीन्स के डाइटिशियन वो पर्सन होता है जो मील्स डिसाइड करते हैं। जो यूजुअली जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे डाइटिशियन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे डाइटिशियन अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे डायबिटिक पेशेंट है तो डाइटिशियन उसके लिए डाइट डिसाइड करते हैं, इसको कौन सा डाइट लेना है, कितनी कैलोरीज दिन में लेती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको डाइट बना के देते हैं कि दिन में कितने मील्स लेने, कितना साल्ट इनटेक लेना है, या किडनी पेशेंट्स होते हैं या हार्ट पेशेंट्स होते हैं। तो जो ये डाइटिशियंस होते हैं ये क्या करते हैं, वो डिज़ाइन भी करते हैं फिर सुपरवाइज करते हैं कि जो मील्स बना रहे हैं डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उनको वो सुपरवाइज करते हैं कि आप पेशेंट को ये डाइट लिखो, इतनी कैलोरीज लिखो, साल्ट फ्री या सोडियम फ्री डाइट दे दो। तो ये एक डाइटिशियन का काम होता है। देन नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपिस्ट। द फिजियोथेरेपिस्ट इज प्रोवाइड असिस्टेंस टू पेशेंट हु हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। फंक्शन इज क्या है इनकी? असेसिंग मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, प्रोवाइडिंग थेरेपेटिक मेजर्स, टीचिंग पेशेंट इज न्यू सिकल्स एंड मेजर्स। आप सबको पता है फिजियोथेरेपी, अक्सर हम बोलते हैं मुझे थेरेपी के लिए जाना है, वो थेरेपी थेरेपी नहीं होती है। थेरेपी मीन्स जहाँ पे एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं, यूजुअली उन पेशेंट्स को सिखा जिनको मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे मसल रिलेटेड हो या स्केलेटल, जैसे बोन पेन, बैक एक्स, मसल एक्स, स्प्रेन्स, कभी कभी किसी को नेक पेन होता है, जॉइंट पेन होते हैं। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट उनको क्या करता है, उनको सिखाता है कि आप मोबिलिटी उनकी देखता है, नॉर्मल मोबिलिटी है कि नहीं, इनकी स्ट्रेंथ कैसी है, फिर अकॉर्डिंगली वो थेरेपेटिक मेजर्स दे, कभी कभी कोई एक्सरसाइज देते हैं या बोलते हैं कि आप फिजियोथेरेपी के लिए आ जाओ। टीचिंग पेशेंट न्यू सिकल्स एंड वो सिखाते हैं पेशेंट्स को एक्सरसाइज कैसे करनी है, रोज कैसे मोबिलिटी करनी है, वॉकिंग कैसे करनी है, मतलब डिफरेंट चीज़ें वो सिखाते हैं और असेसमेंट भी करते हैं। देन नेक्स्ट इज सोशल वर्कर। सोशल वर्कर प्रोवाइड असिस्टेंस टू द फैमिली एंड पेशेंट। ही प्रोवाइड असिस्टेंस इन प्रॉब्लम सच एज फाइनेंसिस, काउंसलिंग और मैरिटल प्रॉब्लम, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन एट्स। यहाँ पे ज़्यादा सोशल वर्कर्स अवेलेबल नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, हर किसी हॉस्पिटल में एक सोशल वर्कर अवेलेबल होता है। सोशल वर्कर का काम होता है कि जो पेशेंट एडमिट हुआ है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई पेशेंट होता है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो वो उनके लिए किसी ना किसी सोर्स से फाइनेंस अरेंज करते हैं, या अगर उनको कोई काउंसलिंग, वो किसी ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं होते या किसी
चीज़ के लिए रेडी नहीं, तो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, किसी को मैरिटल प्रॉब्लम्स या एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें वो उनको मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कपल एडमिट हो, उनका कोई बच्चा ना हो, या कोई रिकरेंट अबॉर्शन हो, तो उनको रेडी करते हैं कि वो एडॉप्शन के लिए जाएँ। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन वर्ड इट्सेल्फ मींस रिलेटेड टू समबडी इज ऑक्यूपेशन। द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असिस्ट पेशेंट विद सम इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन टू गेन स्किल्स एंड दे रिलेट टू एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड हेल्प विद स्किल दैट इज थेरापेटिक। मीन्स जब किसी में कोई चीज़ ऐसी हो, किसी पेशेंट में कोई चीज़ या कोई फंक्शन इम्पेयर हो गई हो, वो काम हो गई हो, उसका जो यूज़ है काम, फॉर एग्जांपल किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ में या पैर में फॉर एग्जांपल सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद वो प्रॉपरली वॉकिंग नहीं कर पाते, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनकी उस इम्पेयरमेंट फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो अपने आप को किस तरह डेली एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, कौन से ताकि वो जो डेली लिविंग उनकी है उनको उन एक्टिविटीज़ में मदद करे। उनको वो ऐसी स्किल्स देते हैं जो थेरेपेटिक होते हैं, उनसे उनको थेरेपी मिलती है, और वो क्या करते हैं उससे वो अपनी डेली लिविंग अच्छे से डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। देन नेक्स्ट इज लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस एग्जामिन एंड स्टडी स्पेसिमेंस सच एज यूरिन, फीसिस, ब्लड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम वोन्स। ये आपको पता ही, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस वो होते हैं जो लेबॉरेटरी में डिफरेंट चीज़ों का एग्जामिनेशन का, चाहे वो यूरिन हो, फीसिस हो, ब्लड हो, पास हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका एनालिसिस होता है, तो वो लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस करते हैं। रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट असिस्ट विद वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरे, जैसे मैं आपको यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दूंगी, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट एडमिट होगा विद फीवर, उसका काज ऑफ फीवर पता ही नहीं चलेगा, जब तक हम कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे लेबॉरेटरी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के साथ, वो उनका CBC लेके हमें बताएंगे कि उसका CBC में क्या प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन तो नहीं है, WBC काउंट रेज्ड है, डिक्रीज्ड है, क्या है, तो उससे क्या होता है हमें पता चलता है, हमें डायग्नोस ट्रीटमेंट में मदद हो जाए। सो अलोन कोई भी मेंबर हेल्थ का काम नहीं कर सकता है, इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ होल टीम मेंबर्स, तब जाके कोई ट्रीटमेंट होता है। देन फार्मासिस्ट्स, फार्मासिस्ट्स डिस्पेंस ड्रग्स एंड मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियंस, फिजिशियन असिस्टेंट्स, नर्स प्रैक्टिशनर्स एंड डेंटिशन। मतलब फार्मासिस्ट्स वो ड्रग्स जो हमारे डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हमारे पेशेंट्स को लिखते हैं, वो ड्रग्स फार्मासिस्ट ही देता है, वो ही प्रोवाइड करता है, तब जाके जो क्या कहते हैं उसको, जो पेशेंट होता है वो फार्मासिस्ट से लेता है। फार्मासिस्ट को एक्चुअली पता होता है, जो फिजिशियन, डेंटिस्ट या किसी नर्स प्रैक्टिशनर ने ड्रग लिखा है, इसका एक्चुअल प्रिपरेशन क्या है, इसकी डोजेज कितनी है, तो अकॉर्डिंगली जितना उन्होंने लिखा होता है वो उसी तरह से उसको डिस्पेंस करते हैं। Now, in addition to the hospital, now we are talking about the community. सिर्फ हॉस्पिटल के मेंबर्स है, अब हम हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे, अब हम उसी कम्युनिटी में काम, तो कम्युनिटी में कुछ एडिशनल मेंबर, इन एडिशन टू डॉक्टर, इन एडिशन टू स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कुछ और मेंबर्स भी होते हैं जो बेसिक फील्ड लेवल पे काम करते हैं, जो हम हेल्प हम जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को या एक हेल्प मेंबर को या एक हेल्प टीम को मदद करता है कि जो उसके आसपास की कम्युनिटी है, कैटरिंग कम्युनिटी है, कैटरिंग पॉपुलेशन है, उनकी इंफॉर्मेशन और उनका जो केयर होता है उसमें जो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, अब वो मेंबर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे अलग अलग मेंबर्स होते हैं। इन एडिशन टू डॉक्टर, फॉर एग्जांपल कोई PHC है, इन एडिशन पे डॉक्टर है, लेकिन इन एडिशन दैट डॉक्टर को एक क्या होता है, एक ANM होती है, हेल्थ वर्कर होता है जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे अराउंड जो भी पॉपुलेशन है कितना है, क्या है, क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हेल्थ असिस्टेंट, दे सुपरवाइज 6 हेल्थ वर्कर्स एंड कवर द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 30,000। उनके फंक्शंस क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होती है, सुपरविजन सुपरवाइजिंग फंक्शंस भी होती है, मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशन स्किल्स भी होते हैं। मीन्स एक हेल्थ असिस्टेंट होता है, वो 30,000 पॉपुलेशन में जो उसका PHC CHC में कैटरिंग पॉपुलेशन, उसमें वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करता है, उसके अंडर जो काम करते हैं उनका सुपरविजन करना, उनके सर अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, कम्युनिटी में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, ये एक हेल्थ असिस्टेंट होता है जो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने
जूनियर जो वर्कर्स होते हैं, जो को वर्कर्स होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, सुपरवाइज भी करता है, उनके साथ गुड रिलेशन करता है, फिर उनसे इंफॉर्मेशन लेके उस इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली पास ऑन करके और फिर असेसमेंट करते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सी लैकिंग्स है, कहाँ कहाँ पे लैकिंग्स हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग ए कम्युनिटीज प्रॉब्लम्स एंड इन डेवलपिंग सोल्यूशन। जो मैंने बोला कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो मदद करते हैं कि कम्युनिटी की में कौन सी प्रॉब्लम है, फिर अकॉर्डिंगली जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम डेवलप करते हैं सोल्यूशन। वो अपनी अपनी कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका जो फीडबैक होता है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हेल्थ ऑफिसर को देते हैं, हेल्थ ऑफिसर फिर उसको आगे फॉरवर्ड करके BMO ऑफिस में देते हैं। अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्मेशन आगे चली जाती है और अकॉर्डिंगली हमारे लिए, मतलब हमारी कम्युनिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए सोल्यूशन या उनके लिए पॉलिसीज डेवलप होती है, फंड्स आते हैं और उनके लिए सोल्यूशन डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इन कोलेब्रेशन विद अदर हेल्थ वर्कर्स, कम्युनिटी जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, उनके साथ इन कोलेब्रेशन काम करते हैं, तब जाके पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज आशा। एज एवरीबडी नोज अबाउट द आशा दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सबको पता है आजकल आशा का कितना रोल है। आशा इज अ सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इन कम्युनिटी हु विल क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ। देयर शुड बी वन आशा फॉर 1000 पॉपुलेशन। सो 1000 पॉपुलेशन के लिए एक आशा होती है, उसका काम होता है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करती है रिगार्डिंग हेल्थ। आशा के प्रेजेंट डेज में बहुत सारे रोल है, स्पेशली इन द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मदर्स की रजिस्ट्रेशन करना, चाइल्ड की इम्यूनाइजेशन करना, उनको रेफरल या उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, उनके लिए हेल्थ इंस्टीट्यूट अरेंज करना, उनको एकम्पनी करना, उनको टाइमली चेकअप्स कराना, उनके जो भी इम्यूनाइजेशन होते हैं वो टाइम पे कराना। सो देर आर मल्टीपल रोल्स ऑफ आशा वर्कर। नेक्स्ट इज हेल्थ विलेज हेल्थ गाइड। द विलेज हेल्थ गाइड्स आर मोस्टली वुमेन एंड दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1977। दे आर चूजन बाई कम्युनिटी इन विच दे वर्क। दे गेट ट्रेनिंग अप 200 आवर्स इन 3 मंथ्स। विलेज हेल्थ गाइड्स भी क्या होते हैं, वो विलेज हेल्थ वर्कर्स की तरह होते हैं, जिनका आप चेंज हो गया है विलेज हेल्थ वर्कर्स। उनका काम भी क्या होता है, वो भी विलेज लेवल पे क्या करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं और लोगों की बात क्या होता है हेल्थ सेंटर तक पहुंचाते हैं। जैसे कहीं पे डेथ हो गई वो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं पे किसी का एबॉर्शन हो गया उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं पे कोई हेल्थ इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज आउटब्रेक हो गया उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं टू द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे उनकी रिपोर्टिंग होती है। उनका काम होता है कि जो जिस विलेज में होती है उस विलेज में लोगों को गाइडेंस एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट इज ट्रेन दाइज। अंडर द रूरल हेल्थ स्कीम द लोकल दाइज आर ट्रेन टू इम्प्रूव देयर नॉलेज। द ट्रेनिंग इज गिवन एट सब सेंटर PSC एंड CAC एंड इन कम्युनिटी एरिया फॉर 30 डेज। दे प्ले वाइटल रोल इन प्रोपगेटिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म। ट्रेनिंग दाइज का पहले पहले बहुत रोल होता था, फिर इनका ना तब पहले जो ट्रेंड दाइज जो होती थी वो मतलब उनको नॉलेज ज़्यादा नहीं होता था, फिर इन्हीं जो ट्रेंड दाइज थी उन्हीं को फिर लेटर ऑन ट्रेनिंग देकर उनका नॉलेज थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, जो हम सब सेंटर लेवल पे देते हैं, PSC CAC लेवल पे देते हैं। जो दाइज होती है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर प्रोपगेटिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म, मतलब फैमिली स्मॉल रखना, मतलब क्या कहते हैं इसको, फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ करना। और कभी कभी क्या होता है होम डिलीवरीज में ट्रेनिड दाइज का बहुत रोल होता है। ट्रेनिड दाइज होती है जो यूजुअली क्या करती है विलेज लेवल पे डिलीवरीज अटेंड करती थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टॉपिक टुडे। आई डिस्कस्ड विद यू वॉट इज हेल्थ टीम, वॉट आर इज मेम्बर्स, वॉट इज इज कम्पोजिशन एक्चुअली, एंड वॉट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट हेल्थ टीम मेम्बर्स। एज आई टोल्ड यू हेल्थ टीम इज अ कोऑर्डिनेटेड, इज अ ग्रुप हैविंग कोऑर्डिनेटेड एंड दिस दोज हु आर हैविंग कोऑर्डिनेटेड हु हैव कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर फॉर अचीविंग ए कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव। उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो एक साथ मिलके अचीव करने की कोशिश कर, हर कोई अपना एफोर्ट यूज़ करता है
लेकिन उनका गोल क्या होता है कि हेल्थ जो होता है उसका प्रॉपर असेसमेंट हो, डायग्नोसिस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, डिविएशन ना हो कहीं पे। अगर किसी एक मेंबर का भी रोल कम पड़ जाता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पेशेंट केयर या कम्युनिटी केयर पे पड़ता है। सो देयर आर सो मेनी मेंबर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, थेरेपिस्ट, कम्युनिटी वर्कर्स, मेडिकल ऑफिसर्स इन्वॉल्व। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन दैट, वी विल डिस्कस दैट लेटर व्हेन वी विल ज्वाइन आवर क्लासेस बाय। थैंक यू।